Let us start with the revision of house property chapter, income from house property. Second chapter था, second head of income था rather, after salaries head. Salary head में computation में incomes पे बहुत focus था, deductions सिर्फ तीन थे. House property head में अपना एक खुद का तरीका है computation का, और पहले तो applicability भी कुछ particular scenario में ही इस head में income की होती है. तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कब टैक्सेबल है, और फिर उसका तरीका कैसा था. काफी सिंपल सा चैप्टर है. यहां पर हाउस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है वो टैक्सेबल होती है. एनुअल वैल्यू नीड नॉट बी द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फॉर द ईयर, इट हैज टू बी द एनुअल वैल्यू, जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है यहां पर. टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी में इंक्लूड कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑल्सो. तो हाउस प्रॉपर्टी नाम से ये नहीं समझना है कि वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही होना चाहिए. मे इंक्लूड शॉप्स, गोडाउन ऑल्सो. प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एंड इफ लैंड इज अपर्चुनेंट टू द बिल्डिंग देन लैंड ऑल्सो. बट अ वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड इज नॉट असेसेबल अंडर दिस हेड. अगर वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है देन इट इज असेसेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. एंड द असेसी शुड बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. अगर असेसी ने खुद वो प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है और वो आगे सबलेट करता है सो उसकी इनकम इस हेड में टैक्सेबल नहीं है. उसकी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. फर्दर असेसी की दुनिया में कहीं भी प्रॉपर्टी रहे टैक्सेबल हो सकती है. अगर असेसी आरओआर है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, तो टैक्सेबल हो सकती है. लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट है या आरएनओआर है तो उसकी इंडिया के बाहर की कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर नॉर्मली टैक्स नहीं लगता है, अनलेस वहां का रेंट इंडिया में रिसीव हुआ, देन इट बिकम्स असेसेबल इन इंडिया. याद है आपको? बट आर एन ओ आर या एन आर की इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी इनकम उसके हाथ में असेसेबल होती है. करेक्ट? तो ये हम लोग ने देखा है. एंड एक प्रॉपर्टी एक्सक्लूड होती है, एक टाइप की प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बिजनेस के लिए अगर यूज करते हैं. If such property is occupied by the assessee for the purpose of earning income under the head profits and gains of business or profession, correct? तो उसको exclude करते हैं. And हम लोग अलग से देखेंगे that owner includes deemed owner. Owner का जो concept है it includes deemed owner, जिसमें चार पांच scenarios है. एक काम करो, अभी बता दो पांच cases है जहां मान लेते हैं कि वो person owner है. पहला, transfer to spouse or minor child for inadequate consideration. Okay, spouse के केस में एक exception था, agreement to live apart. And spouse, child के केस में एक exception था, minor married daughter. Correct? Then holder of an impartible estate, उसको हम लोग owner मान लेते हैं. Holder of impartible estate, जहां पर because of law आप उसको अलग नहीं कर सकते हो. Then member of a cooperative society which owns the property, cooperative society which owns the property. Then buyer in the case of part performance of contract as per section 53A of the transfer of properties act. याद आ रहा है कुछ? यहां पर तीन condition fulfill हो गई तो भले registration नहीं हुआ तो भी हम buyer को owner मान लेते हैं. Okay, सिर्फ possession मिल गया, तो possession मिल गया, consideration दे दिया या agree कर लिया और अग्रीमेंट इन राइटिंग है तो ये केस में हम लोग बायर को ओनर मान लेते हैं, भली रजिस्टर्ड ओनर वो नहीं बना. सब्सटेंस ओवर फॉर्म. एंड लास्ट केस में देखे थे, अगर लीज में प्रॉपर्टी दिया है एंड लीज पीरियड 12 साल से ज्यादा है या 12 साल है तो उसके केस में हम लोग उसको ओनर मान लेते हैं. करेक्ट? लीज पीरियड एग्जैक्टली, रुक जाओ देखते हैं, 12 साल से ज्यादा वाला है क्या, कैसा है? हाँ, 12 इयर्स और मोर, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 इयर्स, तो लीज पीरियड, तो उस केस में हम लोग उसको ओनर मान लेते हैं लेसी को. बट अगर लीज मंथ टू मंथ रिन्यूअल होती है तो नहीं मानते हैं, कितना भी साल का रहे. या अगर एट अ टाइम लीज 1 ईयर से कम की रहती है तो हम लोग लेसी को ओनर नहीं मानते हैं. लेकिन अदरवाइज लीज अगर एक्सटेंडेबल है 10+5 ईयर्स की है एट द ऑप्शन ऑफ द लेसी तो उसको हम लोग ओनर मान लेते हैं स्टार्टिंग से. तो ये हम लोग ने देखा था थियोरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का.
फिर और कंसेप्ट देखा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हमको कंपोजिट इनकम होती है, लाइक रेंटल इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम से सम अदर फैसिलिटीज, ओके, कुछ अदर फैसिलिटीज की इनकम, जैसे कि हमने टेनेंट से इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज किया और मेंटेनेंस का चार्ज किया, सिक्योरिटी का चार्ज किया, तो जो प्रॉपर्टी वाली इनकम है वो इस हेड में टैक्सेबल और जो बाकी इनकम है वो अदर सोर्सेज या पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल, उसके खर्चे माइनस करके उसको उस हेड में टैक्सेबल कर दो, करेक्ट, कंपोजिट इनकम होती है तो। और अगर कभी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स लेटिंग आउट है, लाइक अलॉन्ग विथ सम अदर असेट्स प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, लाइक एक थिएटर को फर्निशिंग के साथ लेट आउट किया, तो देर इज नॉट जस्ट द बिल्डिंग विच हैज बीन लेट आउट, देर इज ऑल्सो सो मच ऑफ अदर असेट्स विच हैव बीन लेट आउट। तो ऐसे केस में द होल इनकम विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और बिजनेस प्रोफेशन एज द केस में भी, याद आ रहा है आपको? तो हम लोगों ने ये चीज बुक में यहां पर देखा था कि अगर कॉम्प्लेक्स लेटिंग आउट है तो ऐसा, और अगर कंपोजिट रेंट है तो फिर उसको अलग अलग कर दो। हाँ, अगर दो असेट्स लेट आउट किया, एक प्रॉपर्टी है और एक दूसरा असेट है से कार है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेबल है, तो फिर उसको उसका रेंट प्रॉपर्टी का इस हेड में टैक्सेबल और कार का दूसरे हेड में टैक्सेबल, पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में, करेक्ट। अब नॉर्मली ये पढ़ा है कि अगर प्रॉपर्टी को आप बिजनेस के लिए ऑक्यूपाई करते हो तो वो प्रॉपर्टी इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, बट अगर आपका बिजनेस ही है प्रॉपर्टी को लेट आउट करना, इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इस केस में पीजीबीपी इनकम, क्योंकि वो बिजनेस एक्टिविटी हो गई वहां पर, ये मेन एक्टिविटी, मतलब वही मेन एक्टिविटी हो गई, ये इंपॉर्टेंट बात है। फर्दर, अगर आपका प्रॉपर्टी का लेटिंग आउट इंसिडेंटल एक्टिविटी है, मेन बिजनेस एक्टिविटी कुछ और है, ओनली इफ इट इज इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस, तो वो बिजनेस इनकम में ले सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स मैटर है तो बात हो गई हमारी। फर्दर हमने देखा कि अगर आप प्रॉपर्टी के डीलर हो, प्रॉपर्टी परचेज सेल का काम करते हो या कंस्ट्रक्ट करके सेल करने का काम करते हो, तो प्रॉपर्टी आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपके पास में खाली पड़ी है तो ऐसे केस में अप टू फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वॉज कंप्लीटेड, वहां से 2 साल तक के, पहले 1 लिखा था फिर हमने उसको करेक्ट करके 2 किया, वहां से 2 साल तक के उस प्रॉपर्टी की एनएवी को निल नहीं मानना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल के, सॉरी 2 साल तक के एनएवी को निल मानना है, उसके बाद उसको डीम टू बी लेट आउट मानना है। तो उस केस में 2 साल के बाद उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, इवन इफ इट इज नॉट लेट आउट, अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो। बट 2 साल तक के वो खाली पड़ी है, इवन इफ इट इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी, तो भी मान लेते हैं कि दैट इट हैज बीन ऑक्यूपाइड। तो जैसे डीम लेट आउट होता है वैसे ये डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड है, करेक्ट, वो डीम लेट आउट प्रॉपर्टी होती है, वैसे ये डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया था थियोरेटिकल पोर्शन। उसके अलावा हम लोगों ने फिर कैलकुलेशन वगैरह पढ़ना शुरू किया कि एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है। अब एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? एनुअल वैल्यू के पहले हम लोग को एक्चुअल रेंट और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना पड़ता है, नॉर्मली विच एवर इज हायर, ये बनता है जीएवी। जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं तो मिलता है एनएवी। एनएवी में से 2 ही डिडक्शन अलाउड है सिर्फ, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ एनएवी एंड इंटरेस्ट डिडक्शन, तो हमको मिलती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्ट में मेन काफी कुछ पढ़ना है, बाकी तो सिंपल है, बट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ये जो वर्ड था इसी का दूसरा नाम आपको बताया था एनुअल लेटिंग वैल्यू। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट का दूसरा नाम एनुअल लेटिंग वैल्यू। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज नॉर्मली हायर ऑफ फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब इन दोनों में से विच एवर इज हायर एंड बाद में उसमें और इसमें विच एवर इज लोअर, याद है आपको? ऐसा करना पड़ता है तो हमको मिलता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कुछ डाउट है किसी को? कभी कभार ये नहीं दिया रहता है तो ये नहीं लेना है, कभी कभार फेयर रेंट नहीं दिया रहता है तो
एक्चुअल रेंट को फेयर रेंट मान सकते हैं, जैसे आपने कुछ सॉल्व क्वेश्चन में देखा होगा, लेकिन नहीं नहीं लेना तो मत लो। म्यूनिसिपल वैल्यू रहती है, इसी पे हमेशा म्यूनिसिपल टैक्स निकालना रहता है, भले आपका जीएवी कुछ भी आए, बट अगर म्यूनिसिपल टैक्स लिखा है 8% है, 10% है, तो इट इज अ परसेंट ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। ये चीज ध्यान रखना अलग से, करेक्ट। फेयर रेंट मतलब कि रेंट चार्ज्ड फॉर सिमिलर प्रॉपर्टी, ओके, रेंट चार्ज्ड इन द मार्केट वैल्यू, बेसिकली उस प्रॉपर्टी का मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या रेट पे रेंट में जाती है, और उसको हम लोग एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। और एक्चुअल रेंट जो है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, अनरियलाइज रेंट माइनस करते हैं एक्चुअल रेंट में से, अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज कब मानते हैं, जब चार रूल फोर की चार कंडीशन फुलफिल होती है। पहला कि सच टेनेंट शुड नॉट बी ऑक्यूपाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेस। दूसरा बोनाफाइड होना चाहिए इन गुड फेथ। तीसरा ये प्रॉपर्टी भी उसने वेकेट कर देना चाहिए, या एटलीस्ट स्टेप शुड हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट। एंड चौथा लीगल प्रोसीडिंग शुड हैव बीन इनिशिएटेड बाय द ओनर, और ए शुड हैव बीन सेटिस्फाइड दैट सच प्रोसीडिंग्स आर नॉट नेसेसरी। तो ये अनरियलाइज्ड रेंट एक्चुअल में से माइनस हो जाता है, लेकिन इसके बारे में याद रखना, अगर आगे जाके कभी रिकवर हो जाता है तो 30% माइनस करके टैक्सेबल, इवन इफ उस साल प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं है तो भी। याद है आपको, सेम ट्रीटमेंट अरियर्स ऑफ रेंट के लिए भी होता है। अगर कोई पुराना रेंट पिछले समय टैक्सेबल नहीं हुआ, बाद में रिसीव हुआ, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट आफ्टर 30% डिडक्शन, इवन इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट ओन्ड बाय द असेसी। ओके, तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद में केसेस जो हम लोग ने डिस्कस किया था वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में आराम से बैठ करके करते हैं, चलेगा आपको? यहां तक एक बेसिक हमारा एक पिच रेडी हो गई हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की, अगले सेशन में जाकर के सेंचुरी मारेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? सॉरी, आपका पंखा बंद हो गया, मुझे ये वाला बंद कर, नहीं चलेगा नहीं, मुझे ये वाला बंद करना था। चलिए, तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किए थे, हम लोग जो बेसिक उसका जो पिच की तैयारी है वो कर लिए थे, और अब उसमें हम लोगों को आगे की बात करना है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो कैलकुलेशन का तो तरीका बहुत ही स्टैंडर्ड है हाउस प्रॉपर्टी में, एक प्रॉपर एक तरीका है, एक ही फ्लो है जिसमें हमको काम करना है ना? क्यों लिखा हुआ नहीं है? लिख लो, लिख लो। तो हम लोग ने अलग अलग टाइप के केसेस डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, जब हम लोग ने चैप्टर डिटेल में पढ़ा था कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। वन नॉर्मल पॉसिबिलिटी इज दैट एक हाउस प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसको हमने थ्रू आउट द ईयर लेट आउट किया है, तो उसके इसमें तो बड़ा सिंपल रहता है, एक्चुअल रेंट भी रहता है और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट भी मिल जाता है, उन दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज हायर विल गिव यू जीएवी, एंड देन माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर विल गिव अस एनएवी। म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कि इट शुड बी पेड बाय द ओनर, पेड एंड दैट टू बाय द ओनर, दोनों बात इंपॉर्टेंट। सिर्फ पेएबल है, पे नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगले साल अगर पे किया तो अगले साल डिडक्शन मिल जाएगा, दो साल बाद पे किया तो दो साल बाद डिडक्शन मिल जाएगा, करेक्ट। इट शुड बी पेड, कभी कभार होता है इट इज पेड बट इट इज पेड बाय द टेनेंट, तो वो भी बात नहीं चलेगी, इट शुड बी पेड एंड दैट टू बाय द ओनर, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तरीके से हम लोग यहां तक पहुंचते हैं, फिर एनएवी पे आते हैं, उसके आगे का आपको पता ही है, दो डिडक्शंस अवेलेबल हैं। एंड जहां पर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो वहां पर इंटरेस्ट के केस में कोई लिमिट नहीं लगती है, इंटरेस्ट डिडक्शन इज अवेलेबल विदाउट एनी लिमिट। आगे आप लोगों को पता है कि हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक करंट ईयर इंटरेस्ट पूरा और एक 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट, अगर प्रॉपर्टी के पहले 5 साल में है हम लोग। तो केस नंबर 1 तो बेसिक हो गया, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है?
आई होप आपको ये वाला कंपैरिजन समझ चुका है. फेयर रेंट म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, देन वो जो वैल्यू मिली कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर. और एक बात कर तो सिंपल है, एक्चुअल रेंट जब भी लेते हैं सो इट इज एक्चुअल रेंट लेस अनरियलाइज्ड रेंट इफ एनी. अगर कुछ अनरियलाइज्ड रेंट है तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं एक्चुअल रेंट में से, जीएवी में से नहीं. फिर केस टू हमने देखा कि प्रॉपर्टी लेट आउट तो थी बट इट वॉज वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, बट इन स्पाइट ऑफ वेकेंसी द एक्चुअल रेंट वॉज मोर देन द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. एग्जाम्पल लिया था एक्चुअल रेंट 10,000 पर मंथ 10 महीनों के लिए मिला, रीजनेबल रेंट सिर्फ 6,000 पर मंथ था वो प्रॉपर्टी का, जो 12 महीने का भी निकाले तो वो इससे कम है. तो ऐसे केस में कुछ स्पेशल नहीं, विच एवर इज हायर एक्चुअल रेंट और रीजनेबल रेंट, तो एक्चुअल रेंट इज हायर सो जीएवी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट. सो केस नंबर टू इज ऑल्सो डायरेक्ट एंड सिंपल. ध्यान में है आपको स्पेशल केस कब बनता है, जब एक्चुअल रेंट लोअर देन रीजनेबल रेंट हो जाता है ड्यू टू वेकेंसी, जो सेक्शन 23(1)(c) में दिया हुआ है. एक स्पेशल आपको एक केस दिया हुआ है कि इफ द प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर और समटाइम्स इवन द होल ईयर एंड इफ ड्यू टू वेकेंसी द एक्चुअल रेंट इज लेस देन द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, देन इन दैट केस इवन द एक्चुअल रेंट इज लेस वी कैन टेक द एक्चुअल रेंट एज द जीएवी. एक ही एक्सेप्शन है कि जहां एक्चुअल रेंट रीजनेबल रेंट से कम है तो भी हम लोग एक्चुअल रेंट को जीएवी मान रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक्चुअल रेंट सिर्फ 5 महीने के लिए मिला, रीजनेबल रेंट 12 महीने का पकड़ेंगे तो वो एक्चुअल रेंट से ज्यादा आ रहा है. बट यदि एक्चुअल रेंट पूरे 12 महीने के लिए मिलता था तो ज्यादा होता था, ये बात तो सामने ही दिख रही है. देयरफोर वी कैन से दैट एक्चुअल रेंट इज लेस बिकॉज इट वॉज वेकेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी खाली रह गई कुछ समय इसीलिए एक्चुअल रेंट कम आया. तो एज पर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन सेक्शन 23(1)(c) वी कैन टेक जीएवी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट. ओके, ये पर्टिकुलर केस में बात समझ में आ रही है, इजी है. फिर इसका हम लोग ने स्पेशल फर्दर केस देखा जो आपकी सिलेबस के बियॉन्ड था, तो अभी कल की टेस्ट या आगे के लिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी चिंता मत करो. वेकेंसी अलाउंस माइनस कर देते हैं अगर दो तीन रीजन है, मतलब एक से ज्यादा रीजन है. फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल रेंट का रेट भी कम है रीजनेबल रेंट से और नंबर ऑफ मंथ्स भी कम है, तो एक्चुअल रेंट तो कम हुआ रेट के भी कारण और मंथ्स के भी कारण. तो ऐसे केस में आप लोगों ने सही बताया था कि हम लोगों ने रीजनेबल रेंट उतने ही महीने का कंपेयर करना चाहिए, तो आपने कहा था 12,000 × 5 कर लेना चाहिए तो 60,000 आ जाएगा. दैट इज अ करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना. एक्चुअल रेंट और दिस, तो 144 माइनस रीजनेबल रेंट फॉर 7 months. ऑलराइट, केस नंबर थ्री, ये वाला पार्ट समझा ना आपको कि जब एक्चुअल रेंट, वैसे तो रेट तो ज्यादा है बट नंबर ऑफ मंथ्स कम होने के कारण एक्चुअल रेंट कम हो गया, ऐसे केस में एक्चुअल रेंट ले सकते हैं. कम हो गया, क्वेश्चन है ईशान का कि अगर एक्चुअल रेंट अनरियलाइज रेंट के कारण कम हो गया अदरवाइज ज्यादा है तो वैसे केस में ये स्पेशल केस अप्लाई नहीं होगा, फिर विच एवर इज हायर लिया जाएगा. तो एक्चुअल रेंट रिड्यूस करने के बाद जो हुआ वो कंपेयर विथ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर. वैसे केस में कंपेरिजन गलत होता है, रीजनेबल रेंट शायद 12 महीने का है, एक्चुअल रेंट कम महीनों का रहेगा क्योंकि कुछ अनरियलाइज है, बट वो कंपेयर किया जाएगा, उसमें आपको ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि वहां पर वेकेंसी नहीं थी. इजंट इट, वेकेंसी नहीं थी तो फिर आपको ये स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर इन द लॉ कि ओविंग टू सच वेकेंसी अगर एक्चुअल रेंट कम है तो भी एक्चुअल रेंट ले सकते हैं, बट इफ ओविंग टू सम अदर फैक्टर एक्चुअल रेंट कम है तो सॉरी ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, विच एवर इज हायर. क्लियर है. ऐसे फिर केसेस हम करते जा रहे थे, तो हमने केस नंबर 4 देखा था कि जहां पर अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और इस साल से असेसमेंट ईयर 2021 से तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज अलाउड है जिसकी एनएवी को निल मान सकते हैं. इट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द असेसी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली. समटाइम्स प्रॉपर्टी मे बी लेफ्ट अनऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ असेसीज इंप्लॉयमेंट इन सम अदर सिटी, तो भी उसको ऑक्यूपाइड मानेंगे. तो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसका शुरुआती कैलकुलेशन का एनएवी से होता है,
तो ऊपर का म्यूनिसिपल टैक्स है या रीजनेबल रेंट है उसका कोई मीनिंग नहीं है, इवन एक्चुअल रेंट तो होता ही नहीं है. तो नेट एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू निल एज पर सेक्शन 23(2) अगर आप याद रख के लिख पाते हो तो एग्जाम में. माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 0, माइनस इंटरेस्ट डिडक्शन 0 मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन तो, क्योंकि वो एनएवी पे बेस्ड होता है. इंटरेस्ट डिडक्शन लेकिन मिलता है डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट पेड और पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट लोन फॉर दैट प्रॉपर्टी. बट इंटरेस्ट डिडक्शन इज लिमिटेड टू आइदर 30,000 और 2 लाख. इंटरेस्ट का जो लिमिट है दैट इज आइदर 30,000 और ₹2 लाख. ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एनएवी नेल बोल दिया है, तो आपको डिडक्शन देंगे तो लॉस होगा. तो उन्होंने यहां पर एक कंडीशन रखा है कि लॉस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. उसमें भी 2 ऑप्शन दे दिया, 30,000 नॉर्मली, बट अगर 3 कंडीशन फुलफिल हो गई तो मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन कैन बी अपटू ₹2 लाख. कौन सी 3 कंडीशन है? लोन शुड हैव बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/99, टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, एंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन. ऑलराइट, तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुई तो इंस्टेड ऑफ 30,000 उस प्रॉपर्टी के लिए मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी इंटरेस्ट की 2 लाख, विच विल ऑलवेज बी इन असेसीज फेवर. असेसी तो चाहेगा ना कि उसको ज्यादा से ज्यादा रिडक्शन मिले इंटरेस्ट का, तो 2 लाख रुपीज मैक्सिमम अलाउड हो जाएगा. ऑलराइट, इसका मतलब अगर लोन रिपेयर रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो 30,000 की लिमिट लगेगी. अगर लोन 1 अप्रैल के पहले लिया था तो 30,000 की लिमिट लगेगी, भले आज इंटरेस्ट दे रहे हो. अगर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने को 5 साल से ज्यादा टाइम लग गया ईयर के बाद तो भी 30,000 की लिमिट लगेगी. ऑलराइट, अब क्योंकि इस साल से 2 प्रॉपर्टीज अलाउ कर दिया है तो ये लिमिट पर प्रॉपर्टी तो लगेगी ही, लेकिन एग्रीगेट करके भी ये लिमिट को वापस से अप्लाई किया जाएगा. दोनों प्रॉपर्टी का मिला करके लिमिट एक इस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, दोनों मान लो 2 लाख वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है. दोनों में मान लो किसी में आपको 1.5 लाख का डिडक्शन है क्योंकि इंटरेस्ट उतना है, किसी में आपको 2 लाख का डिडक्शन है क्योंकि इंटरेस्ट 2.5 लाख था, लिमिट हो गया 2 लाख. तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 1.5 प्लस 2 साढ़े 3 लाख, बट लिमिट हो जाएगी 2 लाख पे. करेक्ट, लिमिट विल बी ऑन एग्रीगेट. मान लो आपके पास 2 प्रॉपर्टीज है जिसमें एक प्रॉपर्टी 30,000 की कंडीशन फुलफिल कर रही है और एक प्रॉपर्टी 2 लाख की कर रही है. 30,000 की तो कुछ स्पेशल कंडीशन है ही नहीं, मतलब एक प्रॉपर्टी 2 लाख की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है और एक कर रही है. ऑलराइट, तो ऐसे केस में जो प्रॉपर्टी सपोज 2 लाख की कंडीशन फुलफिल कर रही है, से उसका इंटरेस्ट है 1,20,000, उतना दिया आपने, से 30,000 वाली प्रॉपर्टी जो है जिसमें कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही से उसका इंटरेस्ट है 1 लाख, ऐसे केस में टोटल करके फिर लिमिट नहीं लगाना है. लिमिट कितनी रहेगी वैसे एग्रीगेट पे? 2 लाख. लिमिट कैसे लगाना चाहिए मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, पहले आप जो 1 लाख है 30,000 वाली प्रॉपर्टी का, पहले उस पर लिमिट लगाओ 30,000, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का 30,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है. और फिर जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसमें 2 लाख तक अलाउड है उसका इंटरेस्ट कितना बोला मैंने? 1,20,000. वो पूरा ले लो वो लिमिट के अंदर, फिर वो 30 और 1,20,000 को ऐड करो, कितना हुआ? 1,50,000. 2 लाख की लिमिट के अंदर है, चलेगा. सो 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा. समझ रहे हैं? ऐसे केस में अगर 2 लाख वाली प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट रहता था 1,80,000 और 30,000 वाली प्रॉपर्टी का आ गया 30,000, तो टोटल कितना हो गया? 2,10,000. फिर भी उसको रिस्ट्रिक्ट कितने पे कर देंगे? 2 लाख पे. बात समझ रही है? तो अगर 2 में से 1 प्रॉपर्टी भी 2 लाख वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो एग्रीगेट पे लिमिट 2 लाख लगेगी, बट पहले इंडिविजुअल लिमिट्स के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा, फिर उसका एग्रीगेट होगा. एम आई क्लियर टू यू? अभी क्योंकि ये एकदम ही नया नया प्रोविजन है तो इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स या पुराने एग्जाम क्वेश्चंस है नहीं, लेकिन आपको लॉ इंटरप्रेट करके अप्लाई करते आना चाहिए. दिस इज द नेचर ऑफ टैक्स सब्जेक्ट, डायनेमिक सब्जेक्ट. तो ये जो नया प्रोविजन है, आई होप आपको समझ में आ रही है. इसके बाद अगर 2 प्रॉपर्टीज है जिसमें पहली प्रॉपर्टी 2 लाख की कंडीशन फुलफिल करती है और उसमें इंटरेस्ट है 2.5 लाख,
दूसरी प्रॉपर्टी दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरी प्रॉपर्टी 2 लाख की कंडीशन फुलफिल नहीं करती है, उसमें इंटरेस्ट है 60,000। तो पहले इंडिविजुअली निकालेंगे कितना कितना, पहली प्रॉपर्टी का कितना आया 2 लाख, दूसरी का कितना आया 30,000, फिर 2 लाख और 30,000 का टोटल करेंगे कितना हुआ 2,30,000, फिर उसमें लिमिट लगाएंगे वापस कितनी 2 लाख। आप बोलोगे बचे हुए इंटरेस्ट का क्या, तो वो लैप्स हो गया, उसका कुछ भी नहीं, अनलेस इट्स अ स्पेशल केस फॉलिंग अंडर सेक्शन 80EE, जो हम लोग डिडक्शन चैप्टर में देखेंगे बाद में। तो अनलेस दैट स्पेशल केस इज देयर, वो इंटरेस्ट का आपको और कहीं डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑलराइट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रिपेमेंट का डिडक्शन 80C में मिलता है, इंटरेस्ट रिपेमेंट का डिडक्शन कितना मिलता है इधर 24B में मिलता है ना, सेक्शन 24B इंटरेस्ट का, और जो प्रिंसिपल पोर्शन का रिपेमेंट किया हाउसिंग लोन का बैंक को, तो उस प्रिंसिपल पोर्शन का डिडक्शन 80C में मिलता है। 80C याद आ रहा है कुछ, RPF, PPF, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसे बहुत सारे आइटम्स है 80C में, 15 से 20 आइटम्स है जिसका डिडक्शन 80C में मिलता है। वन ऑफ देम इज ऑल्सो प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ हाउसिंग लोन। तो अभी आपको उसका एप्लीकेशन अभी नहीं आएगा, लेकिन डिडक्शन चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कंबाइंड इफेक्ट देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इंटरेस्ट का डिडक्शन तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले लिया, प्रिंसिपल का डिडक्शन उधर GTI के बाद मिलेगा। ऑलराइट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में म्यूनिसिपल टैक्सेस का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है कितना भी रहे, और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट का कोई इंपैक्ट नहीं होता है कितना भी रहे। तो उसकी इंफॉर्मेशन दी रही या नहीं दी रही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दिस क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि अब इसमें अमेंडमेंट भी इतना बड़ा, 1 से 2 प्रॉपर्टी अलाउ हो गई, इट्स अ बिग अमेंडमेंट, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2019 में आ गया था, मतलब जो बजट जो इलेक्शन के पहले आया था ना उसमें आ गया था ओरिजिनल वाले में। देन नेक्स्ट सिनेरियो है जहां पर एक प्रॉपर्टी है विच इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, नॉट वेकेंट बट सेल्फ ऑक्यूपाइड। वेकेंट रहती तो हम लोग एक्चुअल रेंट की बात कर सकते हैं कि कम है तो भी, बट वेकेंट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर विचेवर इज हायर ही लिया जाएगा। एक्चुअल रेंट सिर्फ एक्चुअल पीरियड के लिए रहेगा और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट पूरे पीरियड के लिए रहेगा। दैट इज द बिग डिफरेंस हियर, विच मे साउंड इलॉजिकल टू यू फॉर कंपेयरिंग कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का कैसे ले रहे हैं, जो कि 8 महीने के एक्चुअल रेंट से कंपेयर कर रहे हैं, बट दैट इज हाउ इट इज डन। ओके, वो तरीका है। एंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू हायर ऑफ एक्चुअल रेंट एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, नो स्पेशल रिलीफ ईयर, सो ट्रीट एज इफ इट वॉज लेट आउट फॉर द होल ईयर। तो रीजनेबल रेंट पूरे साल का, एक्चुअल रेंट एक्चुअल पीरियड का। तो आगे भी आपको डिडक्शन पूरे मिलेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स का भी मिलेगा इफ पेड, स्टैंडर्ड डिडक्शन NAV का 30%, इंटरेस्ट डिडक्शन विदाउट लिमिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं थी। अगर प्रॉपर्टी पूरे साल भर के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फॉर द होल पीरियड ऑफ ओनरशिप इन दैट ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो NAV नहीं ले सकते हैं, पार्टली पार्टली है तो उसमें आपके पास कोई और उपाय नहीं है। इज इट क्लियर? ये हर एक केस के हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, सॉल्ट एंड अनसॉल्ट मिला के। देन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर देर आर 2 सेपरेट पार्ट्स ऑफ द सेम प्रॉपर्टी है जिसके जिसमें एक पार्ट को हमने सेल्फ ऑक्यूपाई किया और एक पार्ट को हमने लेट आउट किया, मे बी इन वॉट एवर प्रपोर्शन, 1/2 1/2 हो सकता है, 60% 40% हो सकता है, 1/3 2/3 हो सकता है, इन वॉट एवर प्रपोर्शन, तो ऐसे केस में ट्रीट द सेम प्रॉपर्टी एज इफ इट इज कंप्राइज ऑफ 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है उसका कैलकुलेशन अलग करो, जो लेट आउट पोर्शन है एक्चुअल लेट आउट उसका कैलकुलेशन अलग करो। कैलकुलेशन करते वक्त जो फिगर्स अगर आपको पूरी बिल्डिंग के दिए हैं तो ध्यान में रखते हुए उसको उस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले कॉलम में तो एनएवी के पहले का कुछ भी आइटम इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो उसको हम लोग मत लो, एनएवी निल ले लो, वहां से बात शुरू करो। लेकिन लेट आउट वाले पोर्शन में, लेट आउट जहां पर प्रॉपर्टी है उसमें अगर आपको फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट पूरी प्रॉपर्टी का दिया है तो उसको सिर्फ लेट आउट वाले पोर्शन के लिए अपोर्शन कर लो, मतलब उतना प्रोपोर्शन निकाल लो, पोर्शन अपोर्शन प्रोपोर्शन, ठीक है।
इतना अलग निकाल लो जैसे 2/3। एक्चुअल रेंट में प्रपोर्शन मत लगाओ क्योंकि एक्चुअल रेंट तो लेटआउट का ही पूरी तरह है क्योंकि वही लेटआउट किया है। म्यूनिसिपल टैक्सेस भी अगर पूरी प्रॉपर्टी के दिए हैं तो उस पर भी उतना परसेंटेज लगा करके निकाल लो कि लेटआउट पोर्शन के लिए कितना है। एनईवी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन इसी का 30% होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका डबल से 2/3 मत कर लेना। फिर इंटरेस्ट डिडक्शन रहेगा, जो टोटल इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी का, अगर टोटल की रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन दी है तो उसको भी आप प्रोपोर्शनेटली आप पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेटआउट पोर्शन का इतना और सेल्फ ऑक्यूपाइड का इतना। यहां हमने एग्जाम्पल लिया था 2/3 1/3 का, जो लेटआउट पोर्शन में इंटरेस्ट आया उस पर तो कोई लिमिट नहीं लगाना है, वो तो पूरा डिडक्शन मिल जाता है। बट जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में इंटरेस्ट आया 1/3 अलग होके, उस पर 30,000 या 2,00,000 की लिमिट लगेगी, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस अगेन कि 2,00,000 की लिमिट एप्लीकेबल है या 30,000 की। तो वो लिमिट सिर्फ इतने पोर्शन पे लगेगी, वो लिमिट आपके पूरे टोटल इंटरेस्ट में नहीं लग जाएगी। पहले से टोटल इंटरेस्ट को पहले दो सेपरेट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऐसा मान के अलग अलग कर देना है, उसमें से जो सेल्फ ऑक्यूपाइड से संबंधित इंटरेस्ट है उस पर लिमिट लगाना है। लॉजिकल एकदम, हाँ एकदम प्रॉपर। तो इससे आपको लेट आउट पोर्शन में प्रॉफिट भी आ सकता है, इनकम या लॉस भी आ सकती है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में आएगा तो लॉस ही आएगा, इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि जीरो से शुरू कर रहे, कुछ माइनस कर रहे, तो ये इनकम को इनकम में से ये वाला लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट दिस इनकम इफ इट इज देयर। आपको एग्जाम में मोस्टली पूछते कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको फिर फाइनल एक लाइन नेट इनकम लिख देना चाहिए एडजस्ट करने के बाद। और अगर लॉस ज्यादा है तो आप लिख सकते इनकम इज इक्वल टू जीरो, नेट लॉस कैरी फॉरवर्ड इज इक्वल टू दिस मच। आपको पता है कि वो लॉस या तो उसी साल कोई दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो जाता है, और अगर नहीं है उसमें भी सफिशियंट इनकम तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है, टू द सब्सिक्वेंट ईयर फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी ईयर्स, 8 years। क्लियर? देन अगर 2 से ज्यादा असेसी कहता है कि उसके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है, ऐसे केस में डीम लेट आउट का कॉन्सेप्ट आता है। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेकिन बाकी सब लेट आउट है, 3 हो सकती है 4 हो सकती है, 2 से ज्यादा कितनी भी लेवल हो सकती है, तो जितनी है अदर देन 2 दे आर डीम्ड टू बी लेट आउट। अब यहां पर आपकी चॉइस है, तो आप ऑप्शंस को कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें टैक्स लाइबिलिटी सबसे कम आएगी वो सबसे बेनिफिशियल है, इजंट इट सो, या जिसमें अगर लॉसेस आ रहे हैं तो लॉस जिसमें सबसे ज्यादा आएगा वो बेनिफिशियल है, प्रॉफिट ही आ रहे हैं तो प्रॉफिट जिसमें सबसे कम आएगा जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन बेनिफिशियल है। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को लेट आउट माना है, डीम टू बी लेट आउट, तो उसमें एक्चुअल रेंट तो रहने नहीं वाला है, तो उसमें जीएवी विल बी इक्वल टू द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज एक्चुअल रेंट इज नॉट देयर, बट म्यूनिसिपल टैक्सेस का फुल्ली डिडक्शन मिलेगा उस प्रॉपर्टी का। जब मान लिया लेट आउट तो लेट आउट के जैसे आगे का काम करो, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, इंटरेस्ट में भी विदाउट एनी लिमिट डिडक्शन मिलेगा क्योंकि उसको लेट आउट के जैसा ही मान के टैक्स लगा रहे हैं बेचारी प्रॉपर्टी पे, इसंट इट सो। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बिकम्स द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इज दिस केस क्लियर टू यू? एब्सोल्युटली। एंड एक लास्ट केस हमने डिस्कस किया था कि अगर को ओनरशिप का सिनेरियो है जहां पर एक ही प्रॉपर्टी में एक से ज्यादा ओनर्स है, तो मैं तो सजेस्ट करता हूं कि सभी ओनर्स का स्टार्टिंग से ही उनके प्रोपोर्शन का कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, वेदर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट और द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। और अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसमें हर एक को ओनर को अपना अपना लिमिट तक के इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगर वो ओनर ने पे किया है तो, ओनर की लाइबिलिटी है तो, किसी और को ओनर के इंटरेस्ट का इनको रिडक्शन नहीं मिलेगा। उनका भी अगर कुछ लोन में से ज्वाइंट लोन लिया है, उनका भी कुछ लाइबिलिटी है, उन्होंने जो पे किया है या पेएबल है, उनको उस पोर्शन का डिडक्शन मिल जाएगा इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो 30,000 या 2,00,000 वाली जो लिमिट है वो सेपरेटली को ओनर्स अपना अपना ले सकते हैं। ऑलराइट, इसके ऊपर बेस्ड भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं बहुत अच्छे से। समझ में आया आपको? एक और तरीका होता है को ओनरशिप के केस में, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है
तो पहले पूरी प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कर लो और आखिरी में डिवाइड कर दो, क्योंकि लेटआउट प्रॉपर्टी में कहीं लिमिट नहीं लगती है, तो आखिरी में और रेशियो में डिवाइड कर दो तो आंसर वही आएगा। लेकिन बेस्ट तरीका मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इसे अपना शेयर जो है उसको अलग से कैलकुलेट कर लो। दैट इज द बेस्ट वे विच विल वर्क इन एवरी सिनेरियो, वेदर सेल्फ ऑक्यूपाइड और वेदर लेट आउट। प्रोपोर्शनेटली पहले से ही उतने शेयर का कैलकुलेशन करते जाओ। ऑलराइट, फिर हम लोगों ने हाँ लेट आउट है तो सेम बिल्कुल सेग्रीगेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोर्नरशिप के केस में कोई और केस मिक्स्ड है हो सकता है, एक ही प्रॉपर्टी कोर्नड है और उसी प्रॉपर्टी के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है एक हिस्सा लेट आउट है, तो उसको आपको दोनों को ओनर के लिए आधा 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 गिनना पड़ेगा, मतलब लेट आउट का आधा आधा करना पड़ेगा और सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी आधा आधा या जो भी रेशियो है। ठीक है, आपके बुक में भी सॉल्व क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में एक दिया हुआ है। ओके, अब अगला कंसेप्ट है एंड मेन कंसेप्ट इस चैप्टर का, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का डिडक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, हमने बीच में कुछ क्वेश्चंस लिखा था उसके बाद में ये वाला कंसेप्ट कवर्ड देख लीजिए आप। क्या पढ़ा था हमने इंटरेस्ट के बारे में, कि दो चीजों का डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट में, करंट ईयर इंटरेस्ट पूरा, इस फाइनेंशियल ईयर का जो भी इंटरेस्ट है, वेदर द प्रॉपर्टी इज कंस्ट्रक्टेड इन दिस ईयर तो भी, हो सकता है प्रॉपर्टी अक्टूबर में रेडी हुई है तो भी इंटरेस्ट का डिडक्शन अप्रैल से मार्च का इसी साल मिल जाएगा, उसको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे अप्रैल से सितंबर वाले को, इस साल का है तो। करेक्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब तक आके रुक जाएगा, डेट ऑफ कंप्लीशन के पहले वाले 31 मार्च तक के, सो 31 मार्च के आगे प्री कंस्ट्रक्शन पुश नहीं होगा इंटरेस्ट, नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में नहीं घुसेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक चीज समझ गई तो आपके कैलकुलेशन पूरे सही बैठ जाएंगे। तो करंट ईयर इंटरेस्ट मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट एंड 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। तो मैंने आपको लिखा था इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टू 31 मार्च ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके पहले तक का 31 मार्च, और अगर लोन उसके भी पहले रीपे हो गई है तो हो सकता है कभी, तो फिर लोन के रीपेमेंट तक के। इसके हमने बहुत सारे सिनेरियोस देखे थे अलग अलग, आई होप आपको क्लियर है एकदम। ये टोटल इंटरेस्ट निकलता है ये करंट ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5, और ये टोटल पे अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो टोटल पे 30,000 या 2,00,000 वाली लिमिट लगती है। लेट आउट या डीम लेट आउट है फिर तो कोई लिमिट का सवाल ही नहीं होता। करेक्ट, इनकेस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लिमिट इज एप्लीकेबल ऑन दिस टोटल इंटरेस्ट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला भी कंसेप्ट आपको बताया था। फिर हमने बहुत सारे केसेस किए थे इंटरेस्ट के, आप एक बार पलटा लो आपकी नोटबुक में, आपको कोई स्पेसिफिक केस उसमें से पूछना है तो आप बताइए, वरना इतने से शीट में पूरा कंसेप्ट कवर्ड है। इस शीट में पूरा कंसेप्ट कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल ये केस नंबर 6 था जहां पर आपकी प्रॉपर्टी साल के बीच में रेडी हो रही है। ठीक है, कब हो रही है, 1 जुलाई 2019 को प्रॉपर्टी रेडी हो रही है और उसके बाद तक लोन चल रही है, तो भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जब से लोन लिया वहां से लेकर के 31 मार्च ऑफ द लास्ट ईयर वहां तक ही रहता है, तो ये जितना समय है जितने भी महीने हैं उसका इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, और उसका डिडक्शन ले लेना है एज प्री कंस्ट्रक्शन 1/5 करके, फर्स्ट ईयर में 1/5, सेकेंड ईयर में 1/5 एंड सो ऑन। ओके, 5 साल तक के। और करंट ईयर का इंटरेस्ट यहां पर आ रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई, अगर लोन आखिरी तक रहती तो 31 मार्च तक रहता था, जो भी है। आपको ध्यान होगा बहुत केसेस किए थे हमने, अगर एक एक केस को ध्यान से पढ़ते जाओगे तो वापस से कंसेप्ट में जो भी कुछ दिक्कतें आती है वो क्लियर हो जाती है। ओके, नाउ दैट इज फॉर यू, द बॉल इज इन योर कोर्ट, क्योंकि मैंने उतने सारे केसेस करा करा के आपको दे दिया है। हाँ, कोई आपके पास लिखा हुआ नहीं है, कोई आपको चाहिए तो आप बोल दो, वो मैं बता देता हूं। एनीथिंग, 10th वाला केस। और ये चीज बेटा अगली बार से क्लास में ही बोल देना, रेगुलर बैच में, रेगुलर टाइम पे, अगर मैं आगे बढ़ गया और आपका मिस हो गया तो आप बोलो ना हाथ उठा के, मैं रुक जाऊंगा तभी के तभी अपडेट कर लो।
लिख लो। इसमें क्या हुआ था, समझाना है कि आपको सिर्फ लिखना है? आपको समझाना भी है कि आपको सिर्फ लिखना है, समझना भी है। तो देखो, 1 जून 2012 से लोन लिया था, ओके। लोन चली कब तक के? 30 जून 2019 तक के लोन चली। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई 1 अगस्त 2019 को। सो कैन वी से विच इज द फर्स्ट ईयर? अगस्त 2019 इज द फर्स्ट ईयर, सॉरी आई मीन 1920 इज द फर्स्ट ईयर, करेक्ट। तो इसके पहले का 31 मार्च कहां पर आया? 31 मार्च 2019 यहां तक आया। उतने पीरियड तक जो इंटरेस्ट है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हो गया, करेक्ट। वो पहले साल से 5 साल तक के 1/5 मिलेगा। जून 2012 से मार्च 2019 बहुत साल होते हैं, हमने गिना था 82 मंथ्स होते हैं, ओके। 6 साल और 10 महीने, देखो ना, 2012 से 2018 6 साल, और फिर जून से मार्च 10 महीने, तो 82 मंथ्स होते हैं। तो उतना जो इंटरेस्ट हुआ वो आया था 8,20,000 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। और करंट ईयर इंटरेस्ट, भले ही प्रॉपर्टी बाद में बनी बट इस साल हमको और 3 महीने का इंटरेस्ट लगा था, अप्रैल मई जून का, वो करंट ईयर इंटरेस्ट है। तो 3 महीने का इंटरेस्ट है 30,000 रुपए, हमारे जो फिगर्स थे 10,12% उसके हिसाब से। तो ये 30,000 पूरा मिलेगा और 8,20,000 का 1/5 मिलेगा, ये है टोटल इंटरेस्ट 1,94,000 ऐसा, समझ में आ रहा है? तो कभी भी जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो यहां पे आके रुक जाता है बिफोर द एट द ईयर एंड, ओके, ऑफ द प्रीवियस ईयर बिफोर दैट, भले उसके बाद भी आपका कुछ लोन होगा तो भी। समझ में आ गया पूरा, लिख लिए, ओके। सो फर्स्ट ईयर क्या है ये इंपॉर्टेंट है। कभी होता है कि फर्स्ट ईयर जो है, हमारे केस में कंस्ट्रक्शन पिछले साल हो गया था, हमारा ईयर 1920 हो सकता है सेकेंड या थर्ड ईयर है, क्वेश्चन में देखा था फिफ्थ ईयर भी था कभी, तो ऐसे केस में भी आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट उस डेट के हिसाब से सोचना है और उसका 1/5 थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर तक के लेना है, करेक्ट। फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर 1920 कंस्ट्रक्शन यहां पर कंप्लीट हुआ। और क्या बता सकते हैं इसमें अपन? हो सकता है लोन का इंटरेस्ट का रेट चेंज हुआ, ये सब हुआ, तो भी आपको ध्यान रखना है। एक और बात, अब मान लो ये अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहती थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो इस केस में वैसे तो इंटरेस्ट है 1,94,000, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड तो हम हमेशा लिमिट का ध्यान रखते हैं, 30,000 या 2,00,000। तो 2,00,000 के लिए कंडीशंस थी, पहली कंडीशन थी कि 99 के बाद लोन लेना चाहिए लिया, दूसरी कंडीशन थी कि एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए लेना चाहिए लिया, तीसरी कंडीशन थी कि लोन लेने के ईयर के बाद 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। तो अब गिनो या ये केस में क्या 5 साल के अंदर हुआ है क्या? नहीं हुआ है। लोन का ईयर खत्म हो रहा है मार्च 2013 में, तो मार्च 2018 तक हो जाना चाहिए था, मार्च 2013, 31 मार्च 2013 प्लस 5 साल करो तो 31 मार्च 2018, लेकिन प्रॉपर्टी तो उसके भी 1.5 साल बाद बनी है ऑलमोस्ट। तो इस केस में आपको लिमिट लग जाएगी, अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 1,94,000 नहीं मिलेगा, इट विल बी लिमिटेड टू 30,000, ओके, एज पर द इंटरेस्ट लिमिट। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन? और इंटरेस्ट का ऐसे अलग से भी लिख लिया था हमने कि अगर लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो लोन नो लिमिट ऑन इंटरेस्ट, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो दो बातें होंगी, या तो लोन पहले लिया या तो बाद में लिया, पहले लिया 1 अप्रैल 99 के तो 30,000, बाद में लिया तो दो बातें होगी, या तो लोन रिकंस्ट्रक्शन रिन्यूअल या रिपेयर के लिए लिया तो 30,000, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो दो बातें होंगी, या तो ये वाला काम जो है 5 साल के अंदर कंप्लीट हुआ तो 2,00,000, नहीं हुआ तो 30,000, करेक्ट। ऑफिस देखते थे आप, उसमें वो एक कैरेक्टर था, वो कहता था ऐसा करेंगे तो दो बातें होंगी, ये हुआ तो कोई बात नहीं लेकिन ऐसा करेंगे तो दो बातें होंगी, तो नहीं देखते थे? 11th केस, आप लोग अभी नए जमाने के बच्चों ना, आप लोग नेटफ्लिक्स देखते होंगे, ये पुराने सब टीवी वगैरह थोड़ी ना देखते होंगे आप लोग, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम, सही है, ओके।
सो कमिंग हियर, इलेवेंथ केस पूछा इन्होंने, देखिए ये समझाता हूं. लिखना है कि समझना है? आप लिख लो, मैं बाकी लोगों को तब तक समझा देता हूं. ठीक है, बाकी लोग ध्यान दो, रिवीजन हो जाता है अपना, वही तो करने बैठे थे. अब मान लो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ सितंबर 2018 में, कंस्ट्रक्शन यहां पर कंप्लीट हुआ, लोन लिया था अप्रैल 2017 से और लोन तो चल रही है आगे तक के. हमारा कैलकुलेशन का ईयर है 1920, असेसमेंट ईयर पूछा है, 1920 का निकालो. तो ऐसे केस में 1920 का इंटरेस्ट कितना होगा? पूरे साल का हो जाएगा वो, तो करंट ईयर इंटरेस्ट वो तो निकाल लेंगे. और फिर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो है वो भी लिया जाएगा उसका 1/5, क्योंकि ये सेकेंड ईयर ही है. तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब से कब तक के पीरियड का लेंगे? ईयर, ये पीरियड का, अप टिल 31 मार्च 2018, क्योंकि उसके बाद अगले साल में प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई. तो ये एक साल का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आया 10 लाख का 12% एक साल का, 1,20,000, जिसका 1/5 सेकेंड ईयर में मिलेगा अलॉन्ग विथ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट. तो टोटल हो गया 1,44,000. बट ये तो हो गया. अब वॉट अबाउट 1819 की कैलकुलेशन में करंट ईयर इंटरेस्ट क्या लेंगे? सितंबर से मार्च लेंगे या अप्रैल से मार्च लेंगे? अप्रैल से मार्च. बस ये चीज समझ गई ना, तो आपका चैप्टर में जो मेजर मिस्टेक प्रोन एरिया है वो खत्म हो जाती है. ओके, वो आप हाईवे पे चलते होते रहते ना, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, स्टे केयरफुल, नजर हटी, दुर्घटना घटी. हम लोग तो लद्दाख गए थे तो वहां इतने अच्छे इनोवेटिव नोटिस बोर्ड्स लगे थे, ऐसी इच्छा हो रही थी कि रुक रुक के फोटो लो, लेकिन हर जगह नहीं रुक सकते. एंड लोगों ने लिटरली उसकी ऐसी बुक्स पब्लिश करके रखी है. वहां पर जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, BRO, तो उन्होंने क्या क्या इनोवेटिव इस तरीके के नोटिसेस लगा के रखे है ना रोड पे, तो उसके उन लोगों ने बुक पब्लिश करके रखी है फोटोग्राफ्स की लद्दाख. वहां पर हमको एक म्यूजियम में देखने मिली थी. ओके, कमिंग बैक, अपने लिए एक्सीडेंट प्रोन एरिया ये है इंटरेस्ट का पार्ट. बाकी मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में आप और कोई मिस्टेक कर सकते हो. अगर और कोई मिस्टेक कर सकते हो तो उसके लिए आपको मेहनत लगेगी, मतलब पढ़ाई को छोड़ के कुछ और चीज में बहुत समय देना पड़ेगा. ऑलराइट, आई थिंक दैट्स इट, वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ द चैप्टर, रिवीजन तो हो ही गया काफी अच्छे से. अब आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है और सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप लोग बताइए, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं. यस, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26. ओके गुड, इसका मतलब किया आपने, जो प्रैक्टिस वाले दिया था वही ना. एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 26. ये वाला सब लोगों ने तो अभी तक देखा ही नहीं होगा, बट अच्छा हुआ आपने देखा है. लेट अस सी, देर आर टू आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, वन ऑफ विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द अदर इज लेट आउट एट ₹10,000 per month फॉर 10 months ऑफ द ईयर आफ्टर विच इट रिमेन्स वेकेंट. मतलब इसमें सब कुछ घुसा हुआ है, एक ही प्रॉपर्टी के दो यूनिट है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक लेट आउट है. क्या पूछा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है उस हिसाब से सोच रहे हैं. एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक लेटआउट है, बट लेटआउट जो है वो भी लेटआउट एंड वेकेंट है. अदर पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आर म्यूनिसिपल वैल्यू 1.5 लाख. मैं क्वेश्चन को क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं, अपन उसको कॉपी होता होगा तो कर लेता हूं, हो रहा है. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया कि भाई दो यूनिट्स है एक ही प्रॉपर्टी के. तो आपको लगता है एमसीक्यू छोटा सा होगा, लेकिन इस टाइप का एमसीक्यू देखो, क्वेश्चन फिर भी बहुत बड़ा नहीं है, बट इसमें बहुत सोचना है. दो यूनिट्स है एक प्रॉपर्टी के, एक पार्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक पार्ट है लेट आउट. बट जो लेट आउट है दैट इज ओनली लेट आउट फॉर 10 मंथ्स एंड वेकेंट फॉर 2 मंथ्स. ऐसा सिनेरियो है,
सेल्फ ऑक्यूपाइड तो पूरे साल भर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये बात भी क्लियर है। आपको क्या बोला है कि इनकम निकालो, तो आपको पता है इंटरेस्ट भी दिया है, तो हम लोग दो कॉलम में काम करेंगे, है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड का अलग निकालेंगे और लेट आउट का अलग निकालेंगे। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, और इधर मैं लिख देता हूं लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट जो है, एक्चुअल रेंट कितना है बताइए मुझे, 10,000 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स, 1 लाख एक्चुअल रेंट है, 1 लाख। लेट आउट प्रॉपर्टी का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, लेट आउट पोर्शन का निकालना है अपने को, तो बहुत ध्यान से देखो, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है, और ये ध्यान से देखो पूरी प्रॉपर्टी का दिया है, उसका हाफ करना पड़ेगा पहले, तो 1.5 लाख और 2,10,000 व्हिचएवर इज हायर, 2,10,000 उसका आधा 1,05,000 इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द लेट आउट प्रॉपर्टी, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स। एक्चुअल रेंट कितने महीने के लिए है, 10 महीने के लिए। समझ आ रहा है मैंने क्या किया, एमसीक्यू इसलिए पूरा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं लिख के, अपने को तो आंसर पे फास्ट पहुंचने के तरीके आना चाहिए। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्चुअल रेंट इज लेस बिकॉज ऑफ वेकेंसी, यस, देयरफॉर जीएवी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट, सो 1 लाख रुपीज इज द जीएवी एज पर सेक्शन 23(1)(c). देन म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा, 8% लिखा है, 8% विल बी कैलकुलेटेड ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू, उसका भी आधा करना पड़ेगा क्योंकि इतने ही पोर्शन का लेना है, तो 1.5 लाख का 8% का आधा 6,000, म्यूनिसिपल टैक्स पेड इज रुपीज 6,000, करेक्ट। तो ये हो गया, इससे मिल जाता है अपने को एनईवी, नेट एनुअल वैल्यू 94,000, यहां का एनईवी है निल सेल्फ ऑक्यूपाइड का, एनईवी के नीचे आप ले लो स्टैंडर्ड डिडक्शन, मिलेगा कितना होता है 28,200, इधर तो होता है जीरो, और उसके नीचे ले लो आप इंटरेस्ट डिडक्शन, इंटरेस्ट टोटल 45,000 है, तो आधा आधा 22,500 एंड 22,500, ओके, तो टोटल बता दो कितना इनकम बची, मतलब नेट करके नहीं, पहले ग्रॉस बताओ, 43,300, और ये जो है या इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड में लॉस है 22,500, अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो 20,800, आंसर यही लिखा है क्या, देख लो एक बार, तो इस तरीके से ये आंसर आया, मतलब है क्या चिल्लर एमसीक्यू, इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट से कितना सारा ध्यान रखना है, म्यूनिसिपल टैक्स गलती से कुछ और पे ले सकते हैं अपन, गलती से इसका आधा करना भूल सकते हैं, गलती से रीजनेबल रेंट पूरी प्रॉपर्टी का ले लिया तो गलत हो गया, बहुत कुछ हो सकता है, और फिर इतना सब करने के बाद भी वो वाला भूल सकती कि एक्चुअल रेंट इज लेस बिकॉज ऑफ वेकेंसी, अपने मन में तो चलता है विच एवर इज हायर, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, फिर ये कर लिया तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का नील सोच के उसको छोड़ ही सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट का कुछ पार्ट इधर भी जाएगा, लॉस भी होगा, ऐसा है, इतना ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो आप लोग टेक योर टाइम व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, भले टारगेट बनाओ, लाइक यू कैन हैव योर ओन टारगेट्स, रोज के 10 करना है, रोज के 5 करना है, कैसा है गाड़ी मूव होते रहना चाहिए, 1 स्टेप एट अ टाइम, एकदम भी अटक गई ना तो पाइलअप हो जाता है एंड अपना माइंडसेट नहीं बन पाता है। मुझे जब टेस्ट सीरीज का पेपर बनाना रहता है ना कैप्स का, तो मैं एक दिन में बैठ के पूरा नहीं बना सकता हूं, इतना बड़ा काम है वो, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे 100 मार्क्स का पेपर बनाना कोई आसान काम नहीं, उससे भी कोशिश ये रहती है मेरी कि ऐसे क्वेश्चन डालू जो बच्चों ने शायद नहीं देखे होंगे, तो मैं मेरा पूरा मटेरियल देखता हूं उसमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन नहीं था जो अब आगे के कोई पेपर से मुझे मिल रहा है, और ऐसे फिर इंस्टीट्यूट के बहुत सारे मटेरियल ढूंढता हूं, फिर टॉपिक वाइज भी बैलेंस रहना चाहिए, तो बहुत देखता हूं, एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो व्हाट आई डू इज मैं उसको तोड़ देता हूं पार्ट्स में, मैं पहले तो एक्सेल में पूरी लिस्ट बना लेता हूं, इतने इतने क्वेश्चंस करना है और ये क्वेश्चन इतने मार्क का रहेगा, फिर उसमें एक एक करके क्वेश्चन ढूंढता हूं, उसका टॉपिक लिखता हूं, क्वेश्चन पेस्ट करता हूं, उसका आंसर ला करके उसको या तो पेस्ट करता हूं या तो लिखता हूं पूरा, कुछ कुछ क्वेश्चन खुद बना के डालता हूं, तो
मैं सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूँ, चार सेक्शन में, इनकम टैक्स के एमसीक्यूज, जीएसटी के एमसीक्यूज, इनकम टैक्स का सब्जेक्टिव, जीएसटी का सब्जेक्टिव, और मैं एक दिन में एक ही सेक्शन पूरे करने का टारगेट रखता हूँ, तो वो भी कई बार नहीं होता। जैसे इनकम टैक्स के सब्जेक्टिव में मुझे 8-9 क्वेश्चन डालना है, तो उसमें से 6-7 ही होते, तो भी उतना काम तो हो गया। अगर मैं कभी सोचूं कि किसी दिन 6 घंटे साथ में एक साथ मिले तो करूंगा, तो ऐसा समय नहीं आता, फिर कभी मूड ही नहीं बनता। 2 घंटे काम कर लिए, 2-3 घंटे में इतना कर लिए तो बहुत है, उसको क्लोज करो, फिर माइंड को फ्रेश करके कुछ और काम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। वैसे आप लोग पढ़ाई को लेकर करो, आप सोचो कि एक दिन एक साथ बैठ के पूरे 60 या 40 एमसीक्यूज कर डालोगे, तो मे बी मे नॉट वर्क फॉर यू। आप ब्रेक ब्रेक कर दो, उसी बहाने रोज वो कंसेप्ट पे सोचना होगा, रोज रिवाइज होगा, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा एंड हो भी जाएंगे। पता है क्या, 5 MCQs इन अ डे इज नॉट अ बिग डील। पिछले बैच को तो मैं 5 MCQs डेली देता था, प्रैक्टिस शीट रोज के, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे MCQs उसी के हैं जो आपके चैप्टर्स की मैं प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं, उनको तो रोज 5 देता था मैं। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया था कि कुछ स्टूडेंट जिनको मिला नहीं, वो बाद में भी मांगने नहीं आते थे, आई वॉज लाइक कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता। एंड दूसरा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा उन लोगों को रोज सुबह प्रिंट आउट लेकर के कॉपीज बनवा के आपको पहुंचाना पड़ता था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, चैप्टर वाइज ही दे देते, तो एक जगह आपको पूरे मिल जाएंगे। कुछ ही स्टूडेंट थे पिछले बैच में, 8-10, जिनके पास समझो एक दिन का मिस हुआ तो मुझसे मांगने आते थे, सर वो दिन का रह गया, तो मैं उनको देता था, सपोज कोई एबसेंट है या उस दिन नहीं पहुंचा। लेकिन बाकी कई स्टूडेंट्स का तो मुझे एटीट्यूड ही समझ में नहीं आया, जितना मिल रहा है ठीक है, जितना नहीं मिल रहा है जाने दे। जबकि आपको इतने अच्छे एमसीक्यू, और पूरे के पूरे जितने डेली एमसीक्यूज दिया था पूरे मैंने खुद बनाया था, एक भी एमसीक्यू कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। इतनी मेहनत मैंने ऑलरेडी पिछले बैच में किया था, लेकिन वो पुराने फाइनेंस एक्ट के हिसाब से थी, तब उसको अपडेट करके मैं आपके लिए फुल प्रैक्टिस शीट जो बना करके दे रहा हूं वो है। इस टाइप के क्वेश्चन यू विल फाइंड देम रियली यूजफुल, बहुत मजा आएगा आपको, एंड ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट उसमें कहीं ना कहीं कवर्ड है, आप देखोगे। ऑलराइट, सो हाउस प्रॉपर्टी में और कुछ है तो बताइए, एमसीक्यू शीट भी एक बार पटा लीजिए।